तो मित्रों यार, क्या हालचाल आप सभी के। अरे यार, हंसते रहा करो, मैं फिर से आपको हंसाने आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो इस मुन्नी को, इसका मेकअप किया जाने वाला है। और देखो देखो, हो गया वही काम जिसका डर था। मुन्नी हो चुकी है गोरी गोरी। अगले दिन दूल्हा यही बोलेगा, मेरी मुन्नी ने कर दी मेरी हाय हाय हाय, अब मैं कहाँ को जाऊँ हाय हाय हाय। चलो दोस्तों, अब यहाँ पर देखो, शायद दूल्हे को यार खुजली हो रही थी, इसलिए दोस्त हेल्प कर रहे हैं खुजली करने में। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। और यहाँ पर देखो यार, इस मुन्नी ने भी मेकअप करवाया है और वो तो खुश है, बोलते है कि हाय हाय करनी है। मैं ना आगे जाके एक स्टेप करूंगी, तुम लोग को बोलना है हाय 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 हाय, ठीक है? ओके ओके ओके। हाय हाय, सही बात है दोस्तों, कहाँ है पतली कमर। वही तो यार, बड़े से कमरे को भी पतली कमर बोलकर चला जाता है। और यहाँ पर देखो इस मुन्नी को, इसकी शादी होने वाली थी और लहंगा यार देखो नहीं पहना जा रहा। अरे मुन्नी जोर लगा पहन ले, लेकिन नहीं दोस्तों, मुन्नी बोलती है मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो कहता हूँ कि छोड़ मुन्नी इस लहंगे को, ये जो हरे रंग का पहना है ये भी बढ़िया है, इसमें ही शादी कर ले। और सभी बाराती बोलेंगे ये मुन्नी तो बहुत प्यारी मुन्नी लग रही है। और यहाँ पर देखो इस मुन्नी को, लगता है कि इसकी नई नई शादी हुई है, आगे होगी मेकअप करके, अगले दिन मुंह धोया होगा इसका हिमांशु, यानी कि इसका पति इसे छोड़कर भाग गया होगा, क्योंकि बिना मेकअप के ये मुन्नी बहुत ही खतरनाक दिखती होगी। अब बोल रही है कि मेरे हिमांशु आजा आजा, मेरे मुन्ने राजा आजा। देखो यार कैसे कह रही है, हिमांशु तुम्हें याद नहीं आती मेरी, कहाँ पे हो तुम, बदतमीज मुझे ऐसी हालत में छोड़ के भाग गए, इतनी बारिश आ रही है बाहर और मैं भीग रही हूँ। अरे कौन है इसका हिमांशु जो इसे छोड़कर भाग गया है भरी बरसात में, यानी कि बाहर बारिश हो गई है और अकेली को छोड़कर चला गया, ये तो बहुत गलत बात है। अब इसको अपने मुन्ने राजा की बहुत याद आ रही है। कोई बात नहीं मुन्नी, तुम्हारा मुन्ने राजा जल्द ही आ जाएगा, नहीं आएगा तो दूसरा ढूंढ लेना कोई। और किसने कहा था इतना अंधा मेकअप करने को, अब भुक्त। यारो सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, फॉलो कर लो, मुझे ठेका दे दो आपको साने का। बढ़ते हैं आगे। मित्रों आपने देखा होगा कि शादियों में दूल्हा और दुल्हन के ऊपर पैसे घुमाकर ढोल वाले को दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आया हुआ था बिल्कुल डिजिटल ढोल वाला। देखो यार, फोन को ही घुमा घुमा कर बिल्कुल ढोल वाले के पास स्कैन करके उसको पैसे दिए जा रहे हैं। यार ऐसा डिजिटल इंडिया तो प्रधानमंत्री ने भी नहीं सोचा होगा, ये लोग तो उससे भी बहुत आगे हैं। और देखो यार, बिल्कुल स्कैन करके 50 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। अब तो यार ढोल वाले की बिल्कुल चांदी हो जाएगी चांदी। और यहाँ पर देखो यार, भाई साहब की शादी हुई थी, केक वेक काटा, तब यार निकाली पस्तोलड़ी, बोलता है कि आज तो बिल्कुल लाला लाला कर देंगे, गोली छोली चलाएंगे। आंटियां तो कानों में उंगलियां देकर बिल्कुल पीछे हो जाती हैं, लेकिन मुन्ने से नहीं चल पाया। फिर भी यार दूल्हे ने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तो गोली चला कर रहूंगा। फिर से कोशिश की, फिर भी यार नहीं चल पाई। अबे बदूक चाइना से लाया था क्या? रहन दे मुन्ना, हो गई तसल्ली, आ गया स्वाद, अब बैठ जा आराम से और मुन्नी के साथ मिलकर केक खा। कौन है ये, कहाँ से आते हैं? और यहाँ पर देखो दोस्तों, अरे अरे, इनमें से दूल्हा कौन है और दूल्ही कौन है? लगता है कि इन दोनों मुन्नियों की शादी नहीं हो रही थी। तब यार ये होगी बहुत दुखी, बोलती है कि कोई भी मुन्ना नहीं मिल रहा, कहाँ गए सभी मुन्ने? तब यार इनको एक आइडिया आया कि हम खुद ही मुन्ना मुन्नी बन जाते हैं, यानी कि आपस में ही शादी कर लेते हैं। और देखो देखो कितने खुश हैं। लेकिन मेरे दोस्तों और दोस्तियों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी शादी जरूर होगी और बिल्कुल सुशील मुन्ना मुन्नियों से होगी। आप हंसते रहा करो, मुझे ठेका दे दो आपको साने का। फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको।